हेलो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको मेरे इस चैनल ऑरिजन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में हम देखेंगे ई e पेमेंट्स होता क्या है ई e पेमेंट्स के बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे तो चलिए अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वे, अपने वीडियो की तरफ आते हैं ई e पेमेंट्स होता क्या है तो चलिए ई पेमेंट्स ई पेमेंट्स स्टैंड फॉर पेइंग फॉर गुड्स और सर्विसेज विदाउट द यूजिंग ऑफ फिजिकल कैश ई पेमेंट्स क्या है ई e पेमेंट्स मतलब हम विदाउट द यूजिंग ऑफ द फिजिकल कैश विदाउट कैश का यूज़ किए बिना हम को से भी गुड्स एंड सर्विसेज को पे करते हैं ना तो हम उसे ई e पेमेंट्स कहेंगे जब हम कोई शॉप को जाते हैं या तो फिर हम घर बैठे इलेक्ट्रॉनिकली फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट्स मंगाते हैं तो हम उसे ई e पेमेंट्स करते हैं मतलब हम कैश कैश नहीं दे रहे हैं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को विदाउट यूजिंग द फिजिकल कैश फिजिकल कैश का ना यूज़ करते हुए हम गुड्स को पे कर रहे हैं उसे हम ई e पेमेंट कहेंगे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है ई e पेमेंट्स का मीनिंग ई पेमेंट्स मतलब जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं विद द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज इस्तेमाल करते हुए हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हुए और टैब्स का इस्तेमाल करते हुए हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं हम किसी को भी तो हम ई e पेमेंट कहेंगे यहाँ पर कैश हम नहीं दे रहे हैं हम फिज़िकली इंडिविजुअली जाके बंदे को कैश नहीं दे रहे हैं हम यहाँ पर अपने घर बैठे हुए ही कितने ही कितने ही दूर को भी हम कितने किलोमीटर से वो बंदा भी रहे तो हम उसे ई e पेमेंट से हम अपने पैसे भेज पा रहे हैं विदाउट विद द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विदाउट यूजिंग द फिजिकल कैश वेराइटी ऑफ ई पेमेंट्स इन नॉमरस सो ई पेमेंट बहुत ही तरह के रहते हैं बहुत ही तरह के आप ई पेमेंट्स कर सकते हैं फ्रॉम डिजिटल वॉलेट्स ग्लोबल और लोकल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड बैंक ट्रांसफर्स डायरेक्ट डेबिट्स टू मोबाइल एप्स और क्यू आर कोड बेस्ड पेमेंट्स सो हम बहुत ही बहुत ही तरह से ई e पेमेंट कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल्स है डिजिटल वॉलेट्स डिजिटल वॉलेट्स का हमने पिछला वीडियो देखा था चैनल में है आप वीडियो देख लीजिए फिर भी आपको बता दू डिजिटल वॉलेट मतलब जब आपके फ़ोन में कोई ऐप रहता है ऐप में आप पैसे रखते हो वॉलेट है ना अपना वॉलेट हो तो जिसमें आप पैसे रखते हो जैसे फोन पे गूगल पे ऐप्स हो गए या आपसे पैसे रखते हो इससे पेमेंट्स कर सकते हो आप क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मतलब जब आपको बैंक आपको पैसे उधार देता है उसे हम क्रेडिट कार्ड कहेंगे जब आपके बैंक में से आप जो पैसे रहते हो उसको जब आप यूज करते हो उसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं बैंक ट्रांसफर्स आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू दी ई पेमेंट उसके बाद डायरेक्ट डेबिट्स टू मोबाइल ऐप जैसे फोन पे गूगल पे पेटीएम पेटीएम से आप पेटीएम का यूज करते हुए दूसरे के पेटीएम ऐप में आप इजीली पैसे ट्रांसफर कर सकते हो आप जैसे आप कोई दुकान को गए शॉप में जाए वहां पर क्यू आर कोड दिखते हैं आपको सो क्यू आर कोड से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो थ्रू दी ई पेमेंट्स सो और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ई पेमेंट क्या है ई पेमेंट मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो विदाउट यूजिंग द कैश जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो कैश नहीं देते हुए आप यहां पे दे रहे हो आपके डायरेक्ट फोन से या स्मार्टफोन से टैबलेट से या तो फिर आप कंप्यूटर से जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो हम उसे ई पेमेंट्स कहेंगे सो so, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच